Hi guys, welcome to my channel. I am the foodie couple. जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं बनाऊंगी फिश करी. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मछली को अच्छी तरह से धोकर मैंने रखा है. फिर इसमें मैं डालूंगी हल्दी 2 स्पून, 1 स्पून. इसको अच्छी तरह से मिलाकर साइड कर लूंगी. फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 छोटा साइज आलू, 4 प्याज, अदरक, लहसुन, 1 छोटा टमाटर, लाल मिर्च, धनिया. चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं. मसाला मेरा रेडी हो चुका है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिश करी. कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो चुकी है. अब हम इसमें ऑयल डालकर फिश को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे. इससे पहले जो हमने फिश करी में डालने के लिए आलू रखा है उसको फ्राई कर लेंगे. आलू यहाँ पर फ्राई हो चुकी है. अब इसे हम निकाल लेंगे.
फ्राई कर लिए। अब मैं डालूंगी मसाला। दो स्पून हल्दी, छोटा छोटा स्पून। स्वाद अनुसार नमक। एक छोटा स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डालूंगी इसमें पानी। इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। फिर इसमें ऐड करूंगी आलू। अब इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं डालूंगी मछली। फिर मैं गैस को सिम कर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ मेरा फिश करी कैसे बनाए। गरम मसाला जो एवरेस्ट का है। चलिए मेरा फिश करी बन के रेडी हो चुका है। हे गाइस, आप देख सकते हैं मेरा फिश करी बन के रेडी हो चुका है। मैं तो चली खाने के लिए। आपको अगर मेरा फिश करी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।